ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत दौरे पर हैं और बड़ी स्वागत वहां, और खास तौर पर देखिए डायमंड बोर्ड्स का भी उद्घाटन करेंगे। और इससे खास तौर पर जो डायमंड और उससे जुड़े आभूषण, यहां पर आपको बता दें कि सबसे बड़ा केंद्र होगा, जहां दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र होगा। तो करोड़ों की यहां पर स्वागत गुजरात वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। आपको तस्वीरें हमने ये भी दिखाई थी, कुछ देर पहले एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और वहां भी टर्मिनल का उद्घाटन किया। और आप देख सकते हैं सूरत सिटी की बात की जाए तो एक अलग, कहा जा सकता है तरीके से, एक विजन के तौर पर ये बड़ी स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। डायमंड सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा और ये जो आपको बता दें उद्घाटन होगा, ये जो सेंटर होगा दुनिया का सबसे बड़ा, जी हाँ दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर होगा। आधुनिक तरीके से इसे बनाया जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, खासतौर पर डायमंड हब कहा जाता है सूरत को। और डायमंड और उससे जुड़े आभूषण की बात की जाए तो उसके लिए सबसे बड़ा केंद्र बनेगा और इससे दुनिया के जितने भी कारोबारी हैं वो यहाँ आएंगे और यहाँ पर जब डील करेंगे तो उससे गुजरात की जनता के लिए और ज़्यादा बेहतरी होगी, और भी ज़्यादा ऑप्शन खुलेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सूरत दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके बाद रोड शो भी होगा और आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी जाएंगे। वहाँ की जनता को भी बड़ी स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आज गुजरात की जनता को करोड़ों की स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। आज खास कार्यक्रम दो आपको बता दें कि कार्यक्रम यहां पर, और बड़ी स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां की जनता को दिया है। एयरपोर्ट पहुंचे और सूरत एयरपोर्ट पर टर्मिनल का, इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि देखिए उद्घाटन की ये तस्वीरें भी, और खास तौर पर जो डायमंड, जी हाँ सेंटर ये बनाया जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर माना जा रहा है। और यहाँ खास तौर पर वहाँ की जनता के लिए कहा जा सकता है कि बड़े अवसर और बड़ी स्वागत। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता भूपेंद्र हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके। भूपेंद्र देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, गुजरात की जनता को बड़ी स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात को व्यावसायिक प्रिय जनता जो है वो व्यवसाय के तौर पर बहुत ज्यादा जाना जाता है, और खास करके सूरत की अगर मैं बात करूं तो सूरत को डायमंड सिटी कहा जाता था। अब उस डायमंड सिटी को और ज्यादा बड़ी उपलब्धि देने के लिए ये जो डायमंड बुर्ज बना हुआ है 3400 करोड़ की लागत से, जिसका प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया है, जाहिर सी बात है ये बहुत ज्यादा तेज आर्थिक गति देने जा रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल डायमंड मार्केट जो है यहाँ से खुलेगा, एक रास्ता खुलेगा, और बहुत सारे डायमंड मर्चेंट जो यहाँ वहाँ थे वो भी सूरत पहुंचेंगे, क्योंकि जिस तरह की यहाँ पर सुविधाएं दी गई हैं, पूरी करीबन 4500 के आसपास यहाँ पर ऑफिसेज हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी हो सकेंगे, और जिस तरह की इस पूरी बिल्डिंग को बनाया गया है, इसमें मैं बता दूं कि पहले से ही कई ऐसे डायमंड मर्चेंट हैं जो मुंबई के जवेरी बाजार से वो शिफ्ट होकर अब यहाँ पर आ चुके हैं सूरत डायमंड बुर्ज में, और यहाँ से इनको न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो इनको उसको मजबूती मिलेगी, बल्कि जो ट्रेडिंग है उसको बहुत ज्यादा मजबूती मिलने जा रही है। और जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने दो तोहफे दिए हैं सूरत को, एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का भी टर्मिनल का उद्घाटन किया है, तो ट्रेडिंग के लिए एक रास्ता वो भी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके अलावा जिस तरह की ये इमारत है सूरत डायमंड बुर्ज, ये कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा ऑफिस हब है, जो कि 6000 स्क्वायर मीटर का, यहाँ पर हर एक दो टावर के बीच में गार्डन है, तो आप समझ सकते हैं कि पूरी ऑफिस कितनी बड़ी है। और इसके अंदर तमाम वो चीजें उपलब्ध है, चाहे वो डायमंड की पॉलिशिंग हो, उनका मैन्युफैक्चरिंग हो, उसकी टेस्टिंग हो, उसकी लैब हो, इस तरह की तमाम सुविधाएं जो एक डायमंड मर्चेंट को चाहिए, वो तमाम की तमाम सुविधाएं जो है वो एक ही जगह पर उपलब्ध है। और इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर बहुत खास ध्यान रखा गया है, क्योंकि डायमंड मार्केट में अक्सर इस तरह की चीजें सामने आती है जहां पर चोरी होती हो या फिर कारीगरों द्वारा ही इस तरह की, तो हर जगह पर सीसीटीवी के जरिए कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जिससे नजर रखी जा सके, और जितनी भी सुविधाएं यहां पर होनी चाहिए एक बड़े बिजनेस हब के लिए वो
वो तमाम सुविधाएं मौजूद है। तो सूरत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आज से शुरू हो जाएगी, क्योंकि डायमंड सिटी के नाम से सूरत पहले ही जाना जाता था। लाखों और करोड़ों के डायमंड व्यापार यहां से होते थे, लोगों को रोजगार मिलती थी। इस बिल्डिंग से ही करीबन 60,000 से ज्यादा वर्कर्स जो हैं इस बिल्डिंग में ही कार्यरत हो सकेंगे। तो एक रोजगार की लग सकते हिसाब से भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आज की ये जो डायमंड बुर्स है। इसके अलावा जो राजस्व मिलेगा गुजरात को, उसमें भी बहुत ज्यादा इजाफा होने वाला है, क्योंकि मुंबई से करीबन बताया जा रहा है कि 2 से 2.5 लाख करोड़ का राजस्व जो महाराष्ट्र को मिलता था, वो अब गुजरात को मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसके अलावा 983 के आसपास छोटे बड़े व्यवसायी जो है इस डायमंड बुर्स में अपना व्यापार करेंगे। तो जिस तरह की डायमंड सिटी थी, हालांकि टेक्सटाइल मार्केट भी बहुत बड़ा है, लेकिन डायमंड सिटी के नाम से जाने जाने वाला सूरत को डायमंड बुर्स जो है वो और ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। और जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने जब कुछ समय पहले इसकी आधारशिला रखी थी, उस वक्त ही माना जा रहा था कि पूरे दुनिया भर का डायमंड मार्केट जो है वो यहां से एक तरह से ये एक एपिक सेक्टर बनने जा रहा है, और ऐसा ही कुछ नजारा जो है आज देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल भूपेंद्र, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, देखिए इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे ही, और ये जो बोर्ड्स बनाया जा रहा है हर सुविधाओं से लैस। लेकिन भूपेंद्र जानना ये भी चाहेंगे कि यहाँ पर जो सुविधाएं दी गई है वो और किस हिसाब से, क्योंकि आधुनिकरण का भी यहाँ पर देखिए जीता जागता एग्जाम्पल जो सेट किया गया, क्योंकि इससे रोजगार के साथ साथ राजस्व भी बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए इससे कनेक्टिविटी जो किया गया है, तो हर चीज एक प्लान के तहत किया गया है। देखिए जाहिर सी बात है, गुजरात को एक व्यावसायिक राज्य के तौर पर देखा जाता है। पूरे देश में पता है कि गुजराती लोग जो है वो व्यापार में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, और उनका दिमाग भी उसमें बहुत ज्यादा दौड़ता है। तो ये जो डायमंड बुर्स बना हुआ है 3400 करोड़ की लागत पे, करीबन 35.5 एकड़ में ये पूरा का पूरा डायमंड बुर्स जो है वो फैला हुआ है, और इसकी तमाम जो इमारतें हैं, पूरी बिल्डिंग जो है वो एक एक जो ब्लॉक्स हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो रफ डायमंड होते हैं, पॉलिश डायमंड होते हैं, उसका एक बहुत बड़ा सेंटर बनाया गया है। 1.5 लाख से भी ज्यादा के लोग जो है यहाँ पर काम करेंगे। 60,000 के आसपास का एक स्टाफ जो है वो ऑफिस का ही होगा ऐसा बताया जा रहा है। 4500 के आसपास ऑफिसेस होगी, एक ही प्रीमाइसिस में 4500 ऑफिसेस। आप समझ सकते हैं किस तरह का बड़ा कामकाज यहाँ पर होने जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग जगह पे, जैसा कि प्रधानमंत्री अक्सर कहते आए हैं कि विकास के साथ साथ हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना है, तो हर 2 टावरों के बीच में 6,000 स्क्वायर मीटर का गार्डन जो है वो बनाया गया है, ताकि लोग जो है वो एनवायरनमेंट के सानिध्य में भी रह सके। 983 छोटे और बड़े व्यवसायी जो है वो यहाँ पर अपनी जो व्यापार है उसको कहें आगे बढ़ाएंगे। और जिस तरह की बात हो रही थी कि डायमंड से, क्योंकि काफी ज्यादा राजस्व ऑलरेडी यहाँ पर जो सूरत की डायमंड इंडस्ट्री है उससे आता है, लेकिन अब तक जो सूरत की डायमंड इंडस्ट्री थी वो बिखरी हुई थी। यहाँ वहाँ अलग अलग जगह पर कहीं पॉलिश के कारखाने हैं, कहीं रफ का काम चल रहा है, तो कहीं और किसी और सेक्टर में चल रहा है। तो अब वो तमाम चीजें जो है वो एक ही जगह पर एक सेंटर जो है वो बन गया है ये डायमंड बुर्स, और यहीं से पॉलिशिंग का काम, उसकी टेस्टिंग का काम, उसके जो रफ डायमंड का खरीदी है, उनका व्यापार है, तो ये तमाम चीजें एक ही जगह से हो पाएंगी। और न सिर्फ जो सूरत के डायमंड व्यापारी थे वो तो यहाँ है ही, इसके अलावा मुंबई से 35 डायमंड व्यापारी ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं। दशहरा को ही उन्होंने अपना कलश रख के यहाँ पर व्यापार शुरू कर दिया था, तो अब दुनिया भर के डायमंड व्यापारी जो है यहाँ पर आएंगे। बिल्कुल, और एक नए अवसर भी पैदा होंगे। भूपेंद्र से हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।